बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टेंस ऑफ पास्ट टेंस, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। स्टूडेंट्स, एज यूजुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंस। किस तरह से आप पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अगर कोई जुमला आएगा तो आप फौरन आपको पहचान लेना है कि ये वाकई में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही जुमला है। आसान सी इसकी पहचान, आसान सा इसका तरीक़ाकार पहचानने का ये होगा कि पहली बात तो ज़माना माजी होगा, क्योंकि पास्ट टेंस आ रहा है वो ज़माना जो गुजर चुका, और ज़माना माजी में रहते हुए परफेक्ट कंटिन्यूस है। परफेक्ट कंटिन्यूस स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब हुआ कि ज़माना माजी में रहते हुए कोई काम चल रहा था लेकिन पाए तकमील तक नहीं पहुँच पाया था, यानी कि मुकम्मल नहीं हुआ था। आसान अल्फाज में क्या मतलब हुआ इस बात का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो तर्जुमा उर्दू में आप आम तौर पर करेंगे जुमलों का, उससे पहचान में आ जाएगा कि कोई काम ज़माने माजी में रहते हुए हो रहा था। उसके अंदर ये भी बयान कर दिया जाएगा कितने अरसे से हो रहा था, इसका मतलब हुआ सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। याद करें, जिस तरह हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया था उसमें सिंस या फॉर का हमने आपको इस्तेमाल समझाया था, और सिंस और फॉर का इस्तेमाल समझाने से रिलेटेड एक हमने अलहदा से वीडियो भी अपलोड करी थी। काइंडली वो वीडियो ज़रूर वॉच करें अगर आप अब तक उसको वॉच नहीं कर सकें, ताकि आपको ये वाला टेंस बेहतर तौर पर समझ में आ सके जो हमारे इसी चैनल के ऊपर मौजूद है। स्टूडेंट्स, करना क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, सबसे पहले इसकी पहचान के तौर पर जो अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे वो कौन कौन से होंगे, हो जाएंगे रहा था, रही थी और रहे थे। ये वर्ड्स आमतौर पर हम यूज़ करेंगे। था तो मौजूद है, इससे पहले मैं लगा देता हूँ रहा, रहा था, रही थी या रहे थे, रही थी भी हो सकता है जो कि प्लूरल में आ जाएगा। अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर रही थी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रहा था जो है वो सिंगुलर के लिए आएगा, रही थी वो भी सिंगुलर के लिए आएगा, लेकिन रही थी सिंगुलर फीमेल के लिए, रहा था सिंगुलर मेल के लिए, रहे थे प्लूरल के लिए, और रही इसको आप कह सकते हैं रही थी तो हो जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा रही थी, रही थी ये भी प्लूरल के लिए और रहे थे ये भी प्लूरल के लिए, लेकिन ये वाला प्लूरल मेल के लिए और ये वाला प्लूरल फीमेल के लिए आप उसको करार देंगे। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ये जुमला कह सकते हैं कि सर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह तो पास्ट कंटिन्यूस में भी आता था, तो फिर फ़र्क किस तरह पहचानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस में भी उर्दू के जुमलों में रहा था, रही थी, रहे थे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यही पहचान है? तो उसका जवाब ये है कि एक बेसिक डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस क्या आएगा कि फॉर्मूले के अंदर याद रखिएगा सिंस या फॉर का इस्तेमाल होने वाला है। कहाँ पर? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। यानी कि आप उर्दू में जब पहचानेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बयान करेंगे कि फला काम इतने अरसे से हो रहा था, तो फला काम 1960 से हो रहा था, 1980 से हो रहा था। इस तरह की जो पहचान है जिसको आप कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि सिंस या फॉर का इस्तेमाल, वो बेसिकली होता है परफेक्ट कंटिन्यूस में। जबकि सिंपल कंटिन्यूस के जुमले जो थे उसमें इस तरह की बात नहीं थी। माँ किस तरह का जुमला था? पर अगर पास्ट कंटिन्यूस की आप बात करें, अगर परफेक्ट का वर्ड यहाँ से हटा दूँ, पास्ट कंटिन्यूस की बात करें, तो माँ जुमला कुछ इस तरह से होता था कि मैं इंग्लिश की स्टडी कर रहा हूँ, या इंग्लिश की स्टडी कर रहा था। अगर आप पास्ट की बात करें, पास्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं इंग्लिश का मुताला कर रहा था, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, मैं सुबह से इंग्लिश का मुताला कर रहा था, या मैं पीर से या मंगल से या बुध से इंग्लिश का मुताला कर रहा था। ये पीर से मंगल से पहचान में आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस है। मैं सुबह से इंग्लिश का मुताला कर रहा था, लफ्ज़ सुबह, इससे पहचान में आएगा कि परफेक्ट कंटिन्यूस है। अभी जब हम जुमले बनाएंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। स्टूडेंट, इसका फार्मूला क्या आने वाला है? सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप इस्तेमाल करेंगे हेडमिन के बाद आप वर्ब लगाएंगे। वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इस्तेमाल होगा, प्लस ऑब्जेक्ट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्लस आपको सिंस या फॉर का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। स्टूडेंट, जब आप याद रखिएगा कि सब्जेक्ट आने वाला है, काम का करने वाला, ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए, आई वी यू दे ही शी इट नेम और नेम्स वगैरह। उसके बाद आप हेडमिन लगाएंगे, तो तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स, भले कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप उसके साथ क्या इस्तेमाल कर लेंगे स्टूडेंट्स, हेडमिन लगा लेंगे। हेडमिन के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी ing के साथ, जो कि बेसिकली बाज टीचर्स हैं इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, और बाज टीचर्स जो हैं वो इसको फिफ्थ फॉर्म के तौर पे भी याद करते हैं। फोर्थ फॉर्म कौन सी हो जाएगी, जिसमें एस और एस का इजाफा हो रहा होता है, और फिफ्थ फॉर्म कौन सी हो जाएगी, जिसमें ing का इस्तेमाल हो रहा होता है। वैसे आप सिंपल कह लीजिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ing के इस्तेमाल के साथ, साथ में ऑब्जेक्ट लगेगा,
और साथ में सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या तो सिंस का इस्तेमाल होगा या फिर फॉर का इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट सब्जेक्ट जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, आई वी यू दे ही शी इट नेम और नेम्स, और इन सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ जो आपको यूज़ करना है वो क्या यूज़ करना है, हैड बीन, तमाम के साथ हैड बीन लगेगा। याद करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वहाँ पे यहाँ पे हैड बीन की जगह क्या होता था, हैज़ बीन अलग था और हैव बीन अलग था। हैज़ बीन मखसूस सब्जेक्ट के साथ था और हैव बीन मखसूस सब्जेक्ट के साथ था, लेकिन जहाँ पर हैड बीन सबके साथ लग जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट सिंस ऑफ, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाने हैं अभी वो भी इंशाल्लाह बात करते हैं। सबसे पहले कोई सा भी सब्जेक्ट ले लीजिए, सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल हम आई ले लेते हैं, आई के साथ बताएं आई क्या हो या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ आपको हैड बीन लगाना है, तो जुमला बन जाएगा आई हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, कोई सा भी हम वर्ब यहाँ पर यूज़ करेंगे, ऐसा वर्ब जो ऐसी बात है यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, तो जुमला यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आई हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं हम, फर्ज करें स्टडी, आई हैव बीन स्टडिंग, और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए क्या चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आई हैव बीन स्टडिंग, फर्ज करें स्टेट्स, और उसके बाद आपको सिंस ऑफ फॉर का इस्तेमाल करना है। मैं इस बार फॉर एग्जांपल इस्तेमाल करता हूँ सिंस का इस्तेमाल, सिंस मॉर्निंग। इसका तर्जुमा क्या करेंगे, ये जुमला क्या एफर्मेटिव कहलाएगा, जी हाँ ये एफर्मेटिव जुमला कहलाएगा। एफर्मेटिव इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इकरारिया जुमला है, आप इकरार कर रहे हैं कि आप सुबह से स्टेट्स जो सब्जेक्ट है शुमारियात उर्दू में कहते हैं इसका आप मुताला कर रहे, अच्छा कर रहे हैं नहीं बोलेंगे, कर रहे थे बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ज़माना है माजी है। अच्छा स्टूडेंट ये बताइएगा, आई सब्जेक्ट हो गया, हेड बिन आपने लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई आई एन जी के इस्तेमाल के साथ, ऑब्जेक्ट लगाया आपने, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे स्टेट्स, सिंस मॉर्निंग लगा दिया आपने सुबह से, तर्जुमा क्या बनेगा, मैं सुबह से शुमारियात लिखना चाहें या स्टेट्स लिखना चाहें, दो आपका दिल चाहे लिख लीजिए, मैं सुबह से स्टेट्स का मुताला कर रहा था। स्टूडेंट ये जुमला क्या हो गया, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जुमला, कि जिसमें आप बयान कर रहे हैं, इसके अंदर देखें आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम का आपने इस्तेमाल किया, सिंस जब भी इस्तेमाल होगा इसका मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, और जब फॉर इस्तेमाल होगा तो वो हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम। क्या मतलब, आप बता रहे हैं आप सुबह से फला सब्जेक्ट का मुताला कर रहे थे, तो सुबह से वाली जो चीज़ है वो बेसिकली क्या हो जाएगा कि आप बयान करना चाह रहे हैं, सुबह से एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा क्या है, मैं सुबह से स्टेट्स का मुताला कर रहा था, तो सुबह से बेसिकली क्या है, सिंस मॉर्निंग, ये तो सुबह से हो गया, और कर रहा था वो पहचान में आएगा हैड बीन स्टडिंग से। याद रखिएगा हैड बीन का मतलब ये हो जाएगा कि ज़माना माजी है, और ज़माना माजी में रहते हुए वो काम कंटिन्यूटी के अंदर था, क्योंकि आईएनजी का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर रहे हैं, आईएनजी का इस्तेमाल जब भी आता है पहचान में आ जाता है कि वो जुमला भी कंटिन्यूटी के अंदर मौजूद है। याद करें पास्ट कंटिन्यूस, उसके अंदर भी आप जुमला बनाते थे और उसके अंदर आप लिखते थे आई वॉज स्टडिंग, उसमें भी आईएनजी लगता था, आईएनजी जब भी आएगा समझ जाएंगे कि कंटिन्यूस है, और यहाँ पर आपने हेड बीन लगाया तो वो बेसिकली परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। और ये बात याद रखिएगा कि आपको इन जुमलों में सिंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर फॉर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस जुमले को अगर आप नेगेटिव बनाएं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बनाने के लिए हेड के फौरन बाद आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा नॉट, हेड के बाद नॉट लगाना पड़ेगा, तो जुमला क्या बन जाएगा, यूज़ नॉट, नॉट का इस्तेमाल करना है आफ्टर हेड, ये इसका मतलब बिल्कुल जुमला फिट बैठ गया जो कि हमने पिछले टेंस का लिखा हुआ है। नॉट का इस्तेमाल करना है हेड के बाद, हेड के बाद यहाँ पे नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन, मगर जुमला सेम है स्टडिंग स्टेट्स, नेगेटिव बनाइए आई हैड नॉट बीन स्टडिंग स्टेट्स सिंस मॉर्निंग। क्या मतलब हो गया, ये जुमला हो गया नेगेटिव आपके पास, इनकारिया जुमला कहलाएगा, इनकारिया का मतलब होता है आप इनकार कर रहे हैं कि आप सुबह से स्टेट्स का मुताला नहीं कर रहे थे, तो फिर इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा, मैं सुबह से स्टेट्स का मुताला नहीं कर रहा था, मैं सुबह से स्टेट्स का मुताला नहीं कर रहा था, इनके आप इनकार कर रहे हैं।
स्टूडेंट जब बताइएगा इसी जुमले को हमें सवालिया बनाना हो तो क्या होगा, यूज हेड, हेड को इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि हेड चला जाएगा कब, सब्जेक्ट से भी पहले। सब्जेक्ट कौन सा है, आई है फिलहाल, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उससे पहले हेड चला जाएगा। तो यूज हेड, हेड को आपको इस्तेमाल करना है बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से भी पहले। तो जुमला क्या बन जाएगा, हैड आई बिन, हैड आई बिन स्टडिंग स्टेट्स सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगेगा, तर्जुमा क्या हो जाएगा, क्या मैं सुबह से स्टेट्स का मुताला कर रहा था। ये क्या हो जाएगा, ये सवालिया जुमला हो जाएगा। क्या पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं सुबह से, सुबह से पहचान में आ रहा है कि ये जुमला किस चीज़ का, परफेक्ट कंटिन्यूस का है। क्या मैं सुबह से स्टेट्स का मुताला कर रहा था, यानी कि माजी में आप माजी के हवाले से कोई बात बता रहे हैं कि क्या मैं सुबह से स्टेट्स का मुताला कर रहा था, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला। स्टूडेंट जब आप याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि जुमले में आप सेंस का इस्तेमाल करें, आप फॉर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फॉर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, सिंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, ये हम आपको वीडियो में इन्फॉर्म कर चुके हैं। जैसे कि सिंस मॉर्निंग है, सिंस इवनिंग है, सिंस जो है वो ईयर के साथ भी आता है, सिंस 1985 है, सिंस 2000 है, 2010 है, कोई सा भी ईयर हो सकता है। इस तरीके से सिंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि सिंस आप बता सकते हैं कोई टाइम, जैसे सिंस 3 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock, इस तरह का इस्तेमाल में आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। दिनों के साथ भी सिंस आता है, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेनसडे, दिनों के साथ भी सिंस आता है। महीनों के साथ भी सिंस आता है, जैसे कि सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च। इसका आप बोलेंगे सर सब कुछ साथ तो सिंस लग रहा है, तो फॉर किसके साथ लगेगा, तो वीडियो में आपको ये भी तफसील से बता सकते हैं, बता सकते नहीं है बल्कि बता चुके हैं कि फॉर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ लगेगा और किसके साथ लगेगा। अभी हम कोई जुमला बनाते हैं इंशाल्लाह, फिर बात करते हैं फॉर की। स्टूडेंट्स करना क्या होगा, कोई सा और सा सब्जेक्ट हम ले लेंगे, और सब्जेक्ट इस बार अपनी पसंद का जो दिल चाहे आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। मैं इस बार सब्जेक्ट ले लेता हूँ वी, बताएं वी जो है, या आप चाहें तो यू ले लें, दे ले लें, कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं आप अपनी मर्जी से। अगर आप कहते हैं तो मैं ही ले लेता हूँ, जो दिल चाहे ले लें, ही चले सब्जेक्ट ले लेते हैं। ही सब्जेक्ट है, ही के बाद क्या लगाएंगे, हैड बिन लगाएंगे। तो जुमला हम बदल रहे हैं, सेकेंड जुमला बना रहे जा रहे हैं, ही हैड बिन, और उसके बाद क्या लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी के साथ लगा लीजिए। ही हैड बिन फाइटिंग, फाइट वर्ब हो गया, वो लड़ रहा था। भाई किससे लड़ रहा था, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा आपको, किससे लड़ रहा था, विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से लड़ रहा था। अच्छा भाई लड़ तो रहा था, कितने टाइम से लड़ रहा था, फॉर द लास्ट हाफ एन आवर। देखिए फॉर लगाएंगे तो फॉर द लास्ट लगा देंगे, फॉर द लास्ट हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे से लड़ रहा था, तो यहाँ पे लगा देंगे फॉर द लास्ट हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का क्या मतलब हो गया, आधे घंटे से, यानी कि 30 मिनट से वो अपने दोस्त से लड़ रहा था। तो इसका तर्जुमा भी कर लीजिए, वो अपने दोस्त से पिछले आधे घंटे से लड़ रहा था। और ये जुमला क्या हो जाएगा आपके पास, ये जुमला हो जाएगा आपके पास एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का मतलब हो जाएगा इकरारिया। क्या कह रहे हैं, ही हैड बीन, देखिए हैड बीन पहले भी लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी के साथ पहले भी लगी। किससे लड़ रहा था, विद हिज फ्रेंड, यानी कि अपने दोस्त से। तो दोस्त क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट देखें जुमले के अंदर आ रहा है। अगर मैं सिंस का या फॉर का इस्तेमाल करना है, सिंस का इस्तेमाल ऊपर हमने समझा दिया, तो इधर हमने फॉर का इस्तेमाल कर दिया, फॉर द लास्ट, भाई कितनी देर से, हाफ एन आवर, आधे घंटे से लड़ रहा था। अच्छा आप फॉर द लास्ट की और दूसरी मिसालें क्या हो सकती हैं, फॉर द लास्ट हाफ एन आवर के बजाय फॉर द लास्ट 2 hours, पिछले 2 घंटे से लड़ रहा था। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉर द लास्ट 1 week, एक हफ्ते से लड़ रहा था। फॉर द लास्ट 2 days, 2 दिनों से लड़ रहा था। फॉर द लास्ट 3 months, पिछले 3 महीने से लड़ रहा था। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 साल से लड़ रहा था। इट मीन्स दैट ये बदल बदल के आप बात कर रहे हैं। अगर फर्ज करें 3 महीने से लड़ रहा था और इस बार शाम का 6 बजे है, तो आप क्या बोलेंगे, फॉर द लास्ट 3 hours, या तो आप बताते हैं सिंस 3 o'clock, 3 बजे से लड़ रहा था, या आप इसी जुमले को बदल के बात कर सकते हैं, फॉर द लास्ट 3 hours। अब बोलेंगे 3 hours कैसे बन गया, फर्ज करें 3 बजे लड़ाई शुरू हुई पहले और इस बार 6 बज चुका था शाम का, तो आप बोल सकते हैं वो पिछले 3 घंटे से,
अपने दोस्त से लड़ाई कर रहा था। तो जुमला मुझे बताइए, ही हैड बीन फाइटिंग विद हिज फ्रेंड फॉर द लास्ट हाफ एन आवर। कैसा जुमला हो गया? एफर्मेटिव, इकरारिया। बताएगा जुमले को हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? नॉट का इस्तेमाल करेंगे कहाँ पर? हेड के बाद। बताइए हेड कहाँ है? यहाँ पर है। तो नेगेटिव बनाएंगे, ज़बानी बात करते हैं, नेगेटिव क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट बीन फाइटिंग विद हिज फ्रेंड फॉर द लास्ट हाफ एन आवर। नेगेटिव का तर्जुमा क्या होगा? वो अपने दोस्त से पिछले आधे घंटे से नहीं लड़ रहा था, यानी कि आप इनकार कर रहे हैं। जुमले को अगर सवालिया बनाना है तो क्या करेंगे? यूज़ हैड, हैड को इस्तेमाल करना होगा बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से भी पहले। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ही से पहले आप लेके चले जाएँ हैड। हैड जब शुरू में जाएगा तो हैड का एज बड़ा हो जाएगा और ही का एज छोटा हो जाएगा। बनाइए शाबाश। हैड ही बिन फाइटिंग विद हिज फ्रेंड फॉर द लास्ट हाफ एन आवर, आखिर में क्वेश्चन मार्क। तर्जुमा करें क्या लग जाएगा? क्या वो अपने दोस्त से पिछले आधे घंटे से लड़ रहा था? स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप वाकई में प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्शन के करीब जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ये फार्मूला या आइडेंटिफिकेशन, जुमले को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने का तरीका, एक दो जुमले, इससे टेंस नहीं आएगा, याद रखिएगा। फिर टेंस कैसे आएगा, आपको ग्रिप कैसे बनेगी? वर्ब बदल लें, बार बार बदलें, सब्जेक्ट बदलें, बार बार बदलें और जुमलों को बनाएं। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर मैंने एक जुमला आपको आई का बनवाया और एक जुमला आपको मैंने ही का बनवाया, और पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव तीनों बनवाए, इसके मैंने दो जुमले बगैर ज़बानी बात कर ली है, लेकिन आपको पैरल बनाने हैं और ट्रांसलेशन भी करनी है। आप घर पे क्या काम करें प्रैक्टिस के लिए? सब्जेक्ट आप ले लीजिएगा वी, वी का पॉजिटिव भी बनाएं, नेगेटिव भी बनाएं, इंट्रोगेटिव भी बनाएं, और तीनों जुमलों का ट्रांसलेशन भी करें, तर्जुमा करें, ताकि आपको उर्दू लिखने भी आ जाएगी। फिर वी के बाद आप यू उठा लीजिए, यू के तीनों बनाएं जुमले, दे के तीनों बनाएं, सब के तीन तीन जुमले बनाएं, और तीनों जुमले पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे और तीनों का तर्जुमा भी करेंगे। ये बात याद रखिएगा, हर मरतबा वर्ब बदल दीजिएगा। जैसे कोई जुमला अगर जब आप यू का बनाएंगे तो यू का पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव तीनों में नया वर्ब यूज़ करेंगे। कोई सा भी वर्ब यूज़ कर सकते हैं, प्ले है, राइड है, रीड है, स्पीक है, जो जो वर्ब आप बदल के इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें, सब्जेक्ट भी बदलें। हर जुमले के पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपको बनाने हैं। और एक बात याद रखिएगा, चौथा और आखिरी जुमला भी इसका बन सकता है, जिसको हम कहते हैं सवालिया इनकारिया। वो कैसे बनेगा? क्या वो अपने दोस्त से पिछले आधे घंटे से नहीं लड़ रहा था? तो ये सवाल भी है और उसके अंदर इनकारिया वाला हिस्सा भी शामिल है, जिसकी इंशाल्लाह ताला अलग से वीडियो अपलोड की जाएगी, जो कि सवालिया इनकारिया वाले जुमलों पर ही इंशाल्लाह ताला मुश्तमिल होगी वो वीडियो। भले वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की अलग अलग बनाएं या सबको मिला के बनाएं, वो तो वक्त बताएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो से आपने यकीनन फ़ायदा उठाया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं, सोशल मीडिया का सहारा लें, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, जो भी आप सहारा ले सकते हैं, इंस्टाग्राम है, और उसके ऊपर इस हमारी वीडियोस को आप लाजमी तौर पर शेयर करवाएं, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारी इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल सर अली अहमद को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फौरन और बरवक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।